हाय दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपका दोस्त योगेंद्र पवार। आप सभी का स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार में। और फ्रेंड्स, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आज की लेटेस्ट न्यूज़ और लेटेस्ट वीडियो में बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार जो ट्रस्टेड चैनल है उसको अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया और बेल आइकन को क्लिक नहीं किया दोस्तों, दोनों काम अभी जस्ट कर दे। क्योंकि दोस्तों ये जो चैनल है राजस्थान जीके विद योगेंद्र पवार दोस्तों ट्रस्टेड चैनल है और बहुत दिनों से चल रहा है। ये कोई आज का चैनल नहीं है, बहुत ही पुराना चैनल है और इस पर जो भी वीडियो आती है वो दोस्तों आप पुरानी वीडियो जितनी भी मैंने इस चैनल पे भेजी है सभी आधिकारिक न्यूज़ मिलती है आपको इस चैनल के माध्यम से। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को स्किप ना करें, क्योंकि दोस्तों जो सेकंड ग्रेड है, सेकंड ग्रेड का जो आपका एग्जाम हो चुका है और दोस्तों ऑफिशियल आंसर की भी जारी हो चुकी है तो उसको लेकर बहुत ही बड़ी अपडेट, एक तो रिजल्ट को लेकर दोस्तों कितनी कट ऑफ जा सकती है, प्रत्येक सब्जेक्ट की आप इसमें कट ऑफ देख सकते हो। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को सबसे पहले लाइक और शेयर कर दीजिए और वीडियो को स्किप ना करें। जैसा कि फ्रेंड्स, ये आरपीएससी की साइट है, आरपीएससी जो आप सामने देख सकते हो राजस्थान लोक सेवा आयोग दोस्तों जो न्यूज़ है वो दोस्तों पत्रिका.com की न्यूज है और इस न्यूज़ में क्या क्या है तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं बताना चाहूँगा आपको इसमें कब की न्यूज़ है। यहाँ पे आप दोस्तों देख सकते हो 6 मार्च 2019 और 3/17/13 जो 3:17 की न्यूज है। तो दोस्तों देखते हैं क्या इसमें, आरपीएससी सीनियर टीचर रिजल्ट एग्जाम 2018। तो दोस्तों पूरी न्यूज़ को आराम से देखें, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 28 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित की हुई लिखित परीक्षा के परिणाम जल्दी जारी किए जाएंगे। मतलब दोस्तों जैसा कि उपेन जी ने मुलाकात की थी सीएम जो अशोक गहलोत है उनसे, तो उन्होंने आश्वासन दिया था कि इसी महीने या अप्रैल तक रिजल्ट आ जाएगा। तो ये बहुत ही अच्छी यहाँ पे गुड न्यूज़ देखने को मिल रही है कि लिखित परीक्षा के परिणाम जल्दी जारी किए जाएंगे। मेरे को लगता है कि इसमें मार्च एंड तक आपके रिजल्ट जारी हो सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज़ देखते पूरी किया है, आरपीएससी सेकंड ग्रेड टीचर भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी हाल ही जारी कर आपत्तियां मांगी गई थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के माध्यमिक स्कूलों में सेकंड ग्रेड टीचर के 8162 रिक्त पदों को भरने के लिए परीक्षा आयोजित की थी। आयोग द्वारा भर्ती परीक्षा के उत्तर कुंजी के बाद परिणाम की तैयारियां की जा रही है। आरपीएससी में बहुत सी भर्तियों के परीक्षा कार्यक्रम के चलते आरपीएससी सीनियर टीचर रिजल्ट एग्जाम 2018 जारी करने में अभी थोड़ा समय जरूर लग सकता है, लेकिन इसी महीने के अंत तक परिणाम जारी होने की संभावना था। दोस्तों ये आपके बहुत ही इसमें लेटेस्ट न्यूज़ है कि इसी महीने के अंत, मतलब जो मार्च चल रहा है, मार्च के एंड तक आपके रिजल्ट दोस्तों आने की संभावना है इसमें। तो हिंदी विषय की अब दोस्तों कट ऑफ की बात करते हैं, जिस प्रकार पहले कट ऑफ गई थी, पहले सीट कम थी और दोस्तों सीट की बात करें तो अब की बार नॉन टीएसपी की ज़्यादा और दोस्तों टीएसपी की बहुत ही कम थी, और पहले उल्टा था, पहले टीएसपी की ज़्यादा थी और नॉन टीएसपी की कम थी। तो इसमें दोस्तों आप देख सकते हैं हिंदी विषय की जो कट ऑफ है ये दोस्तों जनरल की कट ऑफ इसमें लिखी हुई है, आप मानना मत कि एससी ओबीसी या एसटी के, ये जनरल की कट ऑफ दे रखी है। मतलब क्योंकि दोस्तों जो भी कट ऑफ का विश्लेषण होता है वो जनरल की कट ऑफ से होता है। हिंदी विषय की कट ऑफ 384 से 390 तक रह सकती है। इसी प्रकार जो इंग्लिश अंग्रेजी विषय की 376 तक जाने की संभावना है। गणित विषय की कट ऑफ इसमें बहुत ही कम दे रखी है, 226, जबकि पहले 300 पोस्ट पे 255 गई थी जनरल की, अब की बार इसमें 226 बता रहे हैं, क्योंकि दोस्तों पोस्ट है वो 700 पोस्ट है। इसी प्रकार विज्ञान विषय की कट ऑफ 293 तक रह सकती है। संस्कृत विषय की 378 हो सकती है। सामाजिक विज्ञान विषय की कट ऑफ पिछली भर्ती से कम जाने की संभावना है और ये 318 तक हो सकती है। दोस्तों जो जिस प्रकार ये राजस्थान पत्रिका ने कट ऑफ जारी की, हिंदी की, अंग्रेजी की, गणित विज्ञान और सामाजिक और संस्कृत की सर सब्जेक्ट की इन्होंने जारी की है, उर्दू और इसकी उर्दू और पंजाबी की जारी नहीं की है। तो दोस्तों इसको लेकर इसमें कोई अपडेट नहीं है दोस्तों, तो आप तैयार हो जाइए कि जल्दी आपका रिजल्ट आने वाला है। तो इस तो और एक न्यूज है कि कितने का आए थे, पहले दिन ग्रुप ए के अभ्यर्थियों ने सामान्य ज्ञान की परीक्षा दी। जयपुर जिले में 79% अभ्यर्थी परीक्षा में उपस्थिति दर्ज करवाई थी। जयपुर में पहले दिन परीक्षा के लिए 91,150 अभ्यर्थी रजिस्टर्ड थे, इनमें से 72,004 अभ्यर्थी परीक्षा देने पहुंचे। 19,146 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। परिणामों की देखें तो कट ऑफ ज़्यादा रह सकती है, लेकिन तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती के बाद कुछ अभ्यर्थी दोनों में शामिल होने के चलते भी परिणाम पर प्रभाव पड़ सकता है। मतलब कट ऑफ आपको दोस्तों बहुत कम जा सकती है राजस्थान लोग। और दोस्तों एक आंसर की को लेकर भी इसमें अपडेट है कि आंसर की आपके पहले आएगी रिजल्ट से पहले या रिजल्ट के बाद में आएगी, इसको लेकर इसमें डाउट क्लियर इस न्यूज़ में न्यूज वालों ने किया है, राजस्थान पत्रिका ने। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा 28 अक्टूबर से 2 नवंबर 2018 तक आयोजित हुई वरिष्ठ अध्यापक प्रतियोगी परीक्षा के उत्तर कुंजी जारी कर 19 फरवरी से आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करवाने के लिए लिंक ओपन किया गया था। आपत्ति दर्ज करवाने की अंतिम तिथि जो 21 फरवरी 2019 रखी गई थी। आपत्ति दर्ज करवाने के बाद अभ्यर्थियों को बोर्ड द्वारा गठित टीम के द्वारा उन प्रश्नों पर किए गए विचार और अंतिम उत्तर कुंजी का इंतजार है। देखा जाए तो आयोग अंतिम उत्तर कुंजी जारी किए बिना भी आरपीएससी सेकेंड टीचर परिणाम जारी कर सकता है। पिछले कई भर्ती हाई कोर्ट में जाने के कारण अंतिम उत्तर कुंजी जारी की जा सकती है। दोस्तों इनको आरपीएससी का कोई कह सकते हैं, पहले भी आंसर की दे सकती है और दोस्तों रिजल्ट के बाद में जो
आती है वो भी दे सकती है रिवाइज आंसर की। दोस्तों फिलहाल तो ये न्यूज है, एक तो रिजल्ट को लेकर के आपके जो मार्क्स एंड में आ सकता है, और दोस्तों सर सब्जेक्ट की इन्होंने कट ऑफ बताई जनरल की वो भी इसमें है, और दोस्तों आंसर की को लेकर भी अपडेट है। तो बहुत ही अच्छी न्यूज है आपके लिए कि इसी माह के अंत तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। दोस्तों ये न्यूज़ थी, वरासनर पत्रिका की न्यूज़ थी और आरपीएससी से रिलेटेड थी, सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 से संबंधित थी। तो दोस्तों इसी प्रकार अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों राजस्थान जीके विद्योगेंद्र पवार को सब्सक्राइब करने बोला हूँ अपनी वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।